जय हिंद बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 3 डीप वाटर को, और इसके राइटर हैं विलियम डगलस। इसका ये पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको लेकर मैं आई हूँ गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा से। इस लेसन को शुरू करने के पहले हम इसके राइटर के बारे में देखते हैं। इसके राइटर मिस्टर विलियम डगलस हैं, जो कि याकिमा से अपने टीचिंग करियर को उन्होंने स्टार्ट किया था। वो एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे और उन्होंने अपना लीगल करियर भी स्टार्ट किया था। वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनका नॉमिनेशन अमेरिका के तत्कालिक प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। यह जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक उसका अंश है जो उन्होंने किताब लिखी थी ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। और इस लेसन में विलियम डगलस जब छोटे थे तब की घटना को वो बता रहे हैं कि वो किस तरह से एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब गए थे और उन्हें पानी से कितना डर लगता था। आखिरकार उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की। तो ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल पोर्शन है जिस पर कि हमें ध्यान देना है कि किस तरह से उन्होंने अपने डर का वर्णन किया है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। इसमें जो डगलस हैं, वो एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में उनको अपनी उम्र का सही सही याद नहीं है। तो वो कहते हैं, ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने ये निर्णय किया कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द सेम अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर एक स्विमिंग पूल था, कहां पर? YMCA याकिमा में। अब YMCA क्या है? ये एक तरह का स्टेडियम है, जैसे हमारे यहाँ स्टेडियम है इंडिया में, वैसे ही है। एक स्टेडियम था YMCA, और वहां पे जो याकिमा का YMCA था, वहां पर वो तैरने की अपॉर्चुनिटी, तैरने का अवसर प्रदान करते थे। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचरस, और जो याकिमा नदी थी वो बहुत ज्यादा धोखेबाज थी, यानी कभी उसमें पानी ज्यादा हो जाता था, कभी उसका बहाव तेज हो जाता था, तो ये धोखेबाज थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट, और जो माँ थी मेरी, डगलस कहते हैं, वो लगातार मुझे उसके लिए चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और नदी में जितने लोग भीग चुके थे उनकी संख्या के बारे में, उन घटनाओं के बारे में वह मुझे लगातार याद दिलाती रहती थी। क्यों याद दिलाती थी? ताकि मैं सावधान रहूं उस नदी से। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, परंतु YMCA पूल जो था वो याकिमा रिवर की तरह ट्रिचरस नहीं था, वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड। शेलो यानी होता है उथला। तो हर एक स्विमिंग पूल में ऐसा होता है कि एक साइड में वो कम गहरा होता है और दूसरी साइड में वो ज्यादा गहरा होता है। तो जो उसका शेलो एंड था, मतलब उथला तल था, वहां पे वो सिर्फ 2 या 3 feet ही गहरा था, और 2 या 3 feet सेफ होता है, सुरक्षित होता है, उसमें बच्चे डूबते नहीं है। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि उस स्विमिंग पूल का जो दूसरा हिस्सा था वहां पर वो 9 feet गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो गहराई थी वो 2 से 3 feet तक, वहां से लेकर 9 feet तक लगातार नहीं थी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी गहराई बढ़ती गई थी स्विमिंग पूल की। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और फिर मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स ये इस तरह से, ये जो पीले रंग का बच्चे ने बाहों पे पहना हुआ है, इसके अंदर हवा भरी होती है, और जब कोई नया नया तैराकी सीखने जाता है तो उसको स्विमिंग के पहले ये पहना देते हैं, इसमें हवा भरी होने से बच्चे डूबते नहीं है, या जो भी नया व्यक्ति स्विमिंग सीखने गया है वो डूबता नहीं है इनके कारण। एंड वेंट टू द पूल, तो इस तरह के वाटर विंग्स को पहनकर डगलस स्विमिंग पूल में गए।
आई हेट इट टू वॉक नेकेड इन टू इट, और उन्होंने कहा कि मुझे कपड़े उतार के, पूरे कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में जाने से बहुत चिढ़ थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी यानी होता है बहुत ज्यादा लकड़ी जैसे पतले पतले पैर, तो मुझे अपने इतने पतले पैरों को दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, परंतु मैंने अपने ईगो को, अपने शर्म को एक तरफ रखा और ऐसा किया। अब स्विमिंग पूल में जाएगा कोई बच्चा तो उसे कपड़े उतार कर ही जाना पड़ेगा। और अब डगलस इसे में हमें एक पुरानी घटना के बारे में बता रहे हैं। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वॉटर वेन आई वॉज इन इट, तो वो कहते हैं कि शुरुआत से ही मुझे पानी से एक तरह का डर सा था जब भी मैं पानी के अंदर होता था। दिस स्टार्टेड वेन आई वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया की एक समुद्र तट पर ले गए। कैलिफोर्निया जो है वो यूएस की एक सिटी है, तो वहां पर मेरे पिता मुझे समुद्र के किनारे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, तब वो और मैं मतलब डगलस और उनके पिता लहरों के बीच में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और क्योंकि डगलस छोटे थे तो वो लगभग अपने पिता के ऊपर टंगे हुए से थे मतलब बिल्कुल उनसे चिपक के खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मैं हालांकि अपने पिता से चिपक कर खड़ा था, डगलस ने कहा, फिर भी लहरों ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बहने लगी। ये इस चित्र में हमें दिख रहा है बच्चा गिरा हुआ पानी में। आई वॉज बरीड इन वॉटर, मैं पानी के नीचे लगभग दब सा गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांस लगभग चली गई थी, सांस रुक सी गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द overpowering force of the waves, और अब हालांकि वो लोग समुद्र के एकदम किनारे खड़े थे और वहां पे उस बच्चे के डूबने का बिल्कुल भी डर नहीं था, इसलिए उसके पिता हंसने लगे। लेकिन वो बच्चा बोलता है कि मेरे दिल में डर बैठ गया था जब मैंने लहरों की इतनी ज्यादा ताकत को देखा। अब 3 या 4 साल के बच्चे के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वह लहरों में सीधा खड़ा रह सके। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. तो अब लेखक वापस YMCA swimming pool में आए और वो कहते हैं कि जो उनका नदी के किनारे का सर्फिंग पे जाने का जो एक्सपीरियंस था उनके पिता के साथ, वो उस एक्सपीरियंस के कारण जो YMCA swimming pool में वो वापस गए तो वो पुरानी जो अनप्लेजेंट जो दुखद यादें थीं या तकलीफ देने वाली यादें थीं और जो उनके बचपन का डर था तैराकी के प्रति, वो फिर से जाग गया था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, फिर डगलस कहते हैं कि लेकिन बहुत ही जल्दी मैंने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वॉटर विंग्स, और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था वाटर विंग्स, उन वाटर विंग्स की सहायता से उन्होंने पैडलिंग करना या तैरने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, वाटर विंग्स की सहायता से दूसरे लड़कों को देखकर और उनको देखकर उनकी नकल करके इस तरह से उन्होंने तैरने की कोशिशें शुरू की। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब वो कहते हैं आगे
कि मैंने ऐसा करते हुए मुझे 2-3 दिन हो गए थे और मैं अब पानी के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होना शुरू हो गया था, तभी वह दुर्घटना हुई। कौन सी दुर्घटना हुई अभी आगे हम देखेंगे। क्या हुआ? I went to the pool when no one else was there. मैं एक दिन स्विमिंग पूल में गया जब कि आसपास कोई भी नहीं था। The place was quiet. वो जो जगह थी वो वहां पर बहुत शांति थी। The water was still. पानी भी स्थिर था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. और जो स्विमिंग पूल का पानी था वो एकदम साफ था, इतना साफ था और इतना सफेद था कि उसके नीचे जो बॉटम में टाइल्स लगी हुई थी वो भी उतनी ही क्लियर दिख रही थी जैसे कि एक बाथटब में दिखाई देती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं पानी के अंदर अकेले जाने में टिमिड यानी डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो इसलिए मैं स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया और दूसरे लोगों के आने का भी इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, और मुझे वहां बैठे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था तभी वहां पर एक बिग ब्रूजर टाइप का लड़का आया। अब बिग ब्रूजर का अर्थ होता है बहुत ही लड़ाका, जो मतलब किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का था वो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पर बहुत मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमिन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो फिजिक थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। उसके जो लेग्स थे और उसकी जो बाहें थी उन पर मसल्स दिख रही थी उसकी। ही येल्ड, और वो मुझसे चिल्ला के बोला, हाय स्किनी, ए दुबले लड़के, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे तैरना पसंद करोगे, कैसा रहेगा यदि तुम तैरोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहने के साथ ही उस लड़के ने मुझे उठाया और उछाल कर उस तरफ गिरा दिया जहां पर कि स्विमिंग पूल का गहरा वाला हिस्सा था, जहां 9 फीट गहराई थी। I landed in a sitting position, और मैं पानी में सीधे बैठी हुई स्थिति में ही गिरा। अब यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, लगभग ऐसा ही डगलस थे। Swallowed water, थोड़ा सा पानी मैंने निगल लिया, and went at once to the bottom, और फिर मैं तेजी से पानी के तले की तरफ, स्विमिंग पूल के तल की तरफ जाने लगा। I was frightened, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, but not yet frightened out of my wit, wit यानी होता है बुद्धिमत्ता, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के परे इतना नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। और जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने ऐसा प्लान किया, When my feet hit the bottom, I would make a big jump, कि जब मेरे पांव नीचे स्विमिंग पूल के बॉटम से या तल से टकराएंगे तो मैं तेजी से जंप करूंगा, कम टू द सरफेस, और जंप करके वापस ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर सीधा लेटूंगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद पूल के किनारे की तरफ तैरकर आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नीचे की तरफ वो बहुत लंबा रास्ता था। Those 9 feet were more like 90. वो 9 फीट की गहराई 90 फीट की जैसी लगने लगी। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. इसके पहले कि मैं स्विमिंग पूल के तल की तरफ जाता, मेरे फेफड़ों में
दर्द होने लगा था। ऐसा लगने लगा कि वो फटने वाले हैं। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. परंतु इसके पहले कि मेरे पैर तल पर टकराएं, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और वही किया जैसा कि मैंने सोचा था, जैसे कि कोई स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाती है। I imagined I would bob to the surface like a cork. Cork क्या होता है? किसी भी बॉटल के ऊपर एक जो ढक्कन लगा रहता है, लकड़ी जैसा दिखता है पर वो लकड़ी नहीं होती, वो कॉर्क होता है। तो जब भी शैंपेन वगैरह की या वाइन की बॉटल खुलती है तो जो कॉर्क का ढक्कन होता है बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो डगलस कहते हैं कि मैंने भी ऐसी ही कल्पना की थी कि मैं जैसे ही नीचे बॉटम पे जाऊंगा तो वहां से कॉर्क की तरह उछल कर वापस ऊपर आऊंगा इंस्टेंट, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और उसकी जगह पर क्या हुआ? I came up slowly. मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow thing to it. तो मैं जब ऊपर आया तो मैंने पूरा ऊपर भी नहीं आ पाया और मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे और कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ पानी ही पानी दिखा और उस पानी में भी एक हल्का सा पीला रंग था। वो पीला रंग इसलिए था कि उसमें जो लाइट थी वहां पे, जो येलो कलर की लाइट थी वो पानी में दिख रही थी। I grew panicky और मैं उसके बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। मैंने ऊपर पहुंचकर अपने हाथों को ऐसे फैलाया जैसे कि मैं आसमान से आती हुई किसी रस्सी को पकड़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ रस्सी तो कोई थी नहीं, तो मेरे हाथ में सिर्फ पानी आया। I was suffocating, मेरी सांस घुट रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। I tried to yell, but no sound came out, मैंने चीखने की चिल्लाने की कोशिश की लेकिन पानी में मेरे मुंह में से कोई आवाज भी नहीं निकली। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. इसके बाद मेरी आंखें और नाक पानी में से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह उसके बाद भी ऊपर नहीं आया। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. अब flailed का अर्थ होता है बहुत ज्यादा wild attempts करना, बहुत ज्यादा तेज कोशिशें करना हाथ पांव मारने की। तो उन्होंने पानी की सतह पर बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो पानी की सतह पर बने रहें। swallowed, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने और ज्यादा पानी उनके अंदर चला गया। and choked, और फिर से उनकी सांस रुकने लगी। I tried to bring my legs up, उन्होंने अपने पांव को पानी के ऊपर लाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि परफेक्ट स्विमर होते हैं जो बहुत अच्छे से तैराकी करते हैं वो लोग जिस तरह से करते हैं, ऐसे उन्होंने भी अपने पाँव को पानी की सतह के ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, परंतु उनके पाँव ऊपर तो नहीं आए और वो ऐसा लगा जैसे कि कोई मरा हुआ वजन, मतलब कोई डेड वजन उनके शरीर से लगा हुआ है और वो पैरालाइज्ड हो गई। पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त, वो हिस्सा होता है शरीर का जिस पर आपके दिमाग का कोई भी जोर नहीं होता। एंड रिजिड, तो उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी उनके पैर सतह पर नहीं आ पाए, वो एक सख्त हो गए थे, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। A great force was pulling me under, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी, कोई भारी ताकत उन्हें वापस पानी के अंदर खींच रही हो। I screamed, मैं चीखा, but only the water heard me. अब पानी के अंदर यदि आप चीखते भी हो तो आपकी आवाज बाहर नहीं आती, बल्कि और ज्यादा पानी अंदर जाता है तो चीखने की आवाज नहीं आ पाती। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और अब वो बोलते हैं कि मेरी वापस से यात्रा जो स्विमिंग पूल था उसके तल की तरफ शुरू हो गई। I struck at the water as I went down,
तो यहाँ पर लेखक ने क्या किया कि उन्होंने जैसे जैसे वो पानी के नीचे जा रहे थे उन्होंने पानी को मारना शुरू किया, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से पानी को मार के शायद ऊपर आ जाएं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स ऑन इररेसिस्टिबल फोर्स, और वो अपने हाथ पांव को उसी तरीके से मार रहे थे जैसे कि यदि हमें कभी कोई बुरा सपना आता है तो हम ताकत के साथ अपने हाथ पांव मारते हैं। I had lost all my breath, मेरी सांस खो रही थी। My lungs ached, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। My head throbbed, मेरे सिर में दर्द की तीखी तरंगें आनी शुरू हो गई थी। I was getting dizzy, और मेरे ऊपर हल्की हल्की सी बेहोशी आने लगी थी, मेरी आंखों के आगे कालापन आने लगा था। But I remembered the strategy, और फिर लेखक को अपनी वही स्ट्रेटेजी वही तरीका याद आया जो कि उन्होंने अपने लिए सोच के रखा था। क्या सोच के रखा था कि I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface, कि मैं स्विमिंग पूल के तल तक जाऊंगा और वहां से जैसे एक कॉर्क बॉटल के ऊपर से हटता है और तेजी से ऊपर जाता है वैसे ही मैं भी तेजी से ऊपर आऊंगा। I would lie flat on the water, मैं perfect swimmers की तरह, जो professional swimmer रहते हैं, उनकी तरह मैं पानी के surface पर flat लेट जाऊंगा। Strike out with my arms and thrash with my legs, और फिर मैं अपने हाथ पैरों को उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से वो swimmers करते हैं। Then I would get to the edge of the pool and be safe, और मैं फिर स्विमिंग पूल के किनारे की तरफ आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। I went down, down endlessly. I opened my eyes. इसके बाद मैं पानी के तल की तरफ नीचे और नीचे और नीचे जाता जा रहा था, और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे अब पानी का कोई तल ही नहीं आ रहा, उसका कोई अंतहीन पानी का तल है। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली। Nothing but water with a yellow glow, और वहां पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ क्या था वहां पे, पानी और उसमें एक पीली चमक थी। Dark water that one could not see through, और अब उन्हें वो पानी काला दिखने लगा जिसके आर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उन्हें पानी अब काला डार्क कलर का क्यों दिख रहा था, क्योंकि अब उनके ऊपर डिजीनेस या बेहोशी छा रही थी। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर इसके बाद सरासर भयानक आतंक ने, डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जो कि किसी समझ को नहीं जानता, उसको समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिसके ऊपर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और वो व्यक्ति जिसने कभी भी डर का सामना न किया हो या इस डर को अनुभव नहीं किया हो वो उसे नहीं समझ सकता। I was shrieking underwater, और अब लेखक कहते हैं कि मैं पानी के अंदर चीख रहा था, जोर जोर से रो रहा था, इतना ज्यादा डर चुका था। I was paralyzed underwater, और मैं पानी के नीचे लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था। Stiff, rigid with fear, और मैं जम चुका था, कठोर हो गया था, डर के कारण कठोर। Even the screams in my throat were frozen. Frozen, freeze का past form है, past participle. और यहाँ तक कि चीखें भी मेरे गले में जम गई थी। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ मेरे हृदय में और मेरे सिर में जो तेज दर्द हो रहा था उसने मुझसे कहा कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन
इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और फिर उस डर के बीच में एक कारण मुझे याद आया, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और वो ये कि उन्होंने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से जैसे ही वो बॉटम को स्विमिंग पूल के तल को छुए उन्हें वापस कूदना याद रखना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरकार खूब देर बाद उनके पैरों ने नीचे की टाइल्स को महसूस किया। My toes reached out as if to grab them, और मेरे पांव इतनी तेजी से आगे बढ़े जैसे कि मैं बिल्कुल टाइल्स को छूना चाहता हूँ। I jumped with everything I had, और फिर जैसे ही मेरे पैरों ने टाइल्स को छुआ मैंने अपनी जितनी शक्ति थी उससे मैं वापस कूदा ऊपर की तरफ। But the jump made no difference. परंतु कूदने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। The water was still around me. अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. मैंने ढूंढने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, रस्सी को, सीढ़ियों को, वाटर विंग्स यानी जिससे हम तैरते हैं उसको, परंतु कुछ भी उनके हाथ नहीं आया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। A mass of yellow water held me, और एक पीले रंग के पानी ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था। Stark terror took an even deeper hold on me, और भयानक डर ने मेरे अंदर और गहरे तक अपनी पैठ बना ली, मतलब मुझे और ज्यादा डर लगने लगा। Like a great charge of electricity, जैसे कि बिजली का एक जोर का झटका लगा हो। I shook and trembled with fright, मैं हिला और फ्राइट यानी डर, डर से बहुत तेजी से कांप गया। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move, मेरे हाथ भी और पैर भी काम नहीं कर रहे थे। I tried to call for help. मैंने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। To call for mother. अपनी माँ को आवाज लगाने की कोशिश की। Nothing happened. परंतु कुछ भी नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. और फिर आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पर प्रकाश था। I was coming out of the awful yellow water. और मैं उस भयानक पीले पानी में से बाहर आ गया था। At least my eyes were, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। My nose was almost out too, और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी, मतलब लेखक पानी के बाहर आ गए थे। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस पार्ट को खत्म करते हैं, और इसके आगे का जो लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद।